20 लाख की काफिलों की तैयारी हो रही है हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार के अंदर घबराने वाला नहीं है मुसलमान, घबराने वाला नहीं। क्या कहना चाहते वो मुसलमान नहीं रहा जो घबराने का, न इनसे डरेंगे, न इनके बाप से डरेंगे, न इनकी आने वाली नस्ल से डरेंगे। मुसलमान गुंडा है, हिंदू गुंडा नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों से जब सरकार बन सकती है तो मेरे मुसलमान भाइयों आओ मुत्तहिद हो जाओ, मुझे समझो, क्या इसे सरकार नहीं बन सकती? कह रहे दरी फिर कौन बिछाएगा, सब नेता बनेंगे तो। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, मायावती सारे बिछाएंगे दरी। रिक्शा तो अखिलेश यादव को देंगे, अखिलेश यादव चलाएगा, उसका बाप चलाएगा, यादव सारे परिवार वाले चलाएंगे, चलाने के मुसलमान रिक्शा नहीं चलाने का। और ये पकौड़े पकौड़े तलने का रोजगार होता है क्या? और मैं अपने पकौड़ों की रेडी लगाने के तैयार हूँ अगर बराबर में मोदी जी चाय की रेडी। गुंडे जो है पुलिस स्टेशन में होने लगे। अभी अल्ताफ की जो मौत हुई, ढाई फुट की हाइट से जो टोटी लगी हुई थी, अल्ताफ ने उसे फांसी लगा ली। ये स्टेटमेंट कौन दे रही? पुलिस दे रही। आज मुख्यमंत्री बन के मुसलमानों को टारगेट कर रहा। असुद्दीन वैसी की सभा खत्म हुई है। तमाम तरह के जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था, अमित शाह ने आरोप लगाया था, उसको लेकर के आज उन्होंने कहा, योगी राज का आज पूरे फॉर्मूला बता दिया। उन्होंने कहा अपराध, जातिवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तमाम जो फॉर्मूले बताए, इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि योगी राज में अपराध हो रहा है। सच में हो रहा है क्या? सबसे ज़्यादा अपराध हुआ है तो योगी राज में ही हुआ है। और इतना अपराध है कि पूछो मत, जीने नहीं देते। वो तो कह रहे सारे गुंडे गायब हो गए यहाँ से। अरे मैं खुद गुंडे हैं। अच्छा, मैं खुद गुंडे हैं। मुख्यमंत्री हैं आपके वो? अरे मैं उनके साथी गुंडे हैं जो उन्होंने छोड़ रखे हैं, जो लोग हमें परेशान करते हैं। सच में गुंडा राज आ गया है उत्तर प्रदेश? अजी एक से बढ़ के एक है। हाँ? कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं। अखिलेश यादव की सरकार उससे भी ज्यादा। आ गया क्या कह रहे हो? लंका में सब 52 गज गया है। ये तुम्हारे शिकायत जो थे वो ठीक थे क्या? ये आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। तमाम आरोप तो उनको लगते हैं भड़काते। नहीं आप बता दो अगर गलत कहे हो, कुछ बात आप भी बता सकते हो। तमाम लोग कहते हैं कि जिस तरह भड़काते हैं मुसलमानों को। कौन भड़काते हैं? ओवैसी साहब। अरे किसने कहा है? वो तो भड़काते नहीं सर, वो संविधान की बात करते हैं, भड़काते कहाँ हैं? जो गलत कही हो सच्ची बात न, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना कि ओवैसी आया भड़काता है। ओवैसी अगर भड़काते हैं, कोई FIR दिखाओ पूरे देश में, कोई कहीं मामला दर्ज हो। योगी से ज्यादा ध्रुवीकरण वाला कोई नेता ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटा है और बांटने की राजनीति पिछले साल 4.5 साल से की है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से की है। पिछले 4.5 साल में रेलवे की ग्रुप डी की कोई भर्ती नहीं आई। पिछले 4.5 साल में रोजगारों की गंगा बह रही है। कहाँ बह रही है रोजगार? रोजगार गंगा बह रही है, गंगा में लाशें बह रही हैं, गंगा की, गंगा में लाशें बह रही हैं। अच्छा, रोजगार आपको नहीं मिल रहा क्या? मोदी जी तो कह रहे रोजगार मिल रहा है। किसे मिल रहा है बताओ, किसे मिल रहा है? नहीं मिल रहा। रोजगार के नाम पे सिर्फ झूठ मिल रहा है। आपको मिला रोजगार की नहीं सर? मुझे नहीं मिला रोजगार। रोजगार तो तुम्हें भी मिला भैया, जो आज हाथ में गुटगुटी लिए फिर रहे हो। और ये पकौड़े पकौड़े तलने का रोजगार होता है क्या? रोजगार मिलता तो पकौड़े तलने का जो रोजगार बताया था उन्हें जरा तेल के रेट भी बताओ। और मैं अपने पकौड़ों की रेडी लगाने के तैयार हूँ अगर बराबर में मोदी जी चाय की रेडी। यादव कह रहे रिक्शा चलाइए ना, रिक्शा चलाना रोजगार है, रिक्शा चलाना रोजगार है। आप मैप छोड़ के रिक्शा चलाओ, मैप छोड़ के। मैं तो कर रहा हूँ साथ ही ठहरे ना, अखिलेश हमसे रिक्शा चलवाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो उनका बहिष्कार हो रहा है। हमारे हाथ में कलम देने की बात की जा रही है। हम कलम के सिपाही हैं, अल्लाह का शुक्र है, कलम के दम पर अपने सरकार में हिस्सा लेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे और इंशाल्लाह मिनिस्टर बनेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडे सारे भाग गए, असुद्दीन वैसी कह रहे आतंकवाद आ गया है। तो अब गुंडे जो है पुलिस स्टेशन में होने लगे। अभी अल्ताफ की जो मौत हुई, ढाई फुट की हाइट से जो टोटी लगी हुई थी, अल्ताफ ने उसे फांसी लगा ली। ये स्टेटमेंट कौन दे रही? पुलिस दे रही। अच्छा, पुलिस गुंडे जो है पुलिस स्टेशनों में जमा होने लगे। 5.5 फुट का आदमी ढाई फुट की टोंटी से लटक के मर सकता है क्या? कहीं से भी सामान्य ज्ञान में सवाल आप किसी बच्चे से पूछ लो, वो भी इसका विरोध करेगा। और आतंकवाद आ गया है उत्तर प्रदेश का है ना, राज की स्पेलिंग नहीं सुनी आपने? और ए जे आर से क्या है तो रिश्वत, ऐसे क्या है आतंकवाद, और जैसे क्या है भैया जातिवाद फैला रहा है भैया। योगी जी तो कह रहे गुंडे भाग गए, दिख नहीं रहे, देख रहे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी सब। अगर मुख्तार अंसारी जी गुंडे थे मियां, तो तुमने उनके, तुम तो उनके कुत्ते के हाथ से मुसाफा मिलाते थे, उनके कुत्तों से मुसाफा खुद मिलाते थे। और हमारे अखिलेश जी के पापा खुद मुलायम सिंह जी उनके कुत्ते से मुसाफा मिला रहे सर 1980 में। वो तो कह रहे सब गुंडे भाग गए, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी सब जेल चले गए।
ये R24 चैनल के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, दोबारा अल्ताफ नहीं मरने देंगे। युवा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह योगी आदित्यनाथ कर रहे, गुंडे सारे भाग गए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद सब अंदर है, लेकिन ये तो कह रहे आतंकवाद आ गया उत्तर प्रदेश। जो कह रहा वो सबसे बड़ा गुंडा, जो कह रहा वो सबसे बड़ा गुंडा मुख्यमंत्री है। अरे जो कह रहा मुख्तार अंसारी गुंडा है, तो सब जेल मुसलमान गुंडा है, हिंदू गुंडा नहीं है, मुसलमान अपराधी जो होगा वही गुंडा होगा, अपराधी गुंडा है वो गुंडा है, सबसे ज्यादा उस पर केस है। आज मुख्यमंत्री बन गया, मुसलमानों को टारगेट कर रहा, कहाँ टारगेट कर रहा, सबका साथ सबका विकास, क्या सबका विकास, सबका विकास हो रहा, सबका नाश हो रहा है, हिंदुस्तान का नाश हो रहा। रिक्शा तो अखिलेश को देंगे, रिक्शा तो अखिलेश यादव को देंगे, अखिलेश यादव चलाएगा, उसका बाप चलाएगा, यादव सारे परिवार वाले चलाएंगे, चलाने के मुसलमान रिक्शा नहीं चलाने का, मुसलमान तो शिक्षा में जाएगा, मुसलमान तो पढ़ाई करेगा, पढ़ लिख के ओएसी साहब जैसा बनेगा, हर घर का बच्चा ओएसी बनेगा, अकबर ओएसी बनेगा, भड़काऊ भाषण देगा। अच्छा सुनो सुनो, मुसलमान बात कर रहा हक की तो भड़काऊ भाषण दे रहा, और जो कोई और बोल रहा वो भड़काऊ भाषण नहीं है, वो कोई भड़काऊ दे रहा भड़काऊ भाषण कौन सब आपको बता, आपको बता कौन कह रहा भड़काऊ भाषण दे नहीं रहे सारे नेता, बीजेपी के सारे नेता सारे दे रहे। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? 20 लाख की कातिलों की तैयारी हो रही है हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार के अंदर। घबराने वाला नहीं है मुसलमान, घबराने वाला नहीं। क्या कहना चाहते, वो मुसलमान नहीं रहा जो घबराने का, न इनसे डरेंगे, न इनके बाप से डरेंगे, न इनके आने वाली नस्ल से डरेंगे, किससे डरेंगे? कसम बिल्कुल नहीं डरने वाले, बिल्कुल नहीं डरने वाले। जातिवाद हो रहा, कहे का जातिवाद हो रहा, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा, ऐसी सरकार जो सरकार बेड़ा गर्क करना चाह रही, निमटाना चाह रही मुसलमानों को, क्या लाना चाह रही? धर्म संसद में क्या कहा ऋषि साहब ने, क्या कहा आपने सुना? क्या कहा? कभी मुसलमानों का कत्ल, कभी इसका कत्ल, कभी उसका कत्ल, क्या हिंदुस्तान के अंदर हमने इसी सरकार को वोट दिया था जो हमारा कत्ल करोगे? मुलायम सिंह को हमने इसी वजह से वोट दिया, राहुल गांधी को इसी वोट दिया, इसी वजह से वोट तो कर रहे आपके विकास। अरे कौन बात कर रहा, बैरिस्टर साहब से ज्यादा तो कोई भी बात नहीं कर रहा, वो उसे ही कहते हैं भड़काऊ भाषण। अरे वो हक्की मुसलमानों की बात कर रहा, तो भड़काऊ भाषण हो गया तुम्हारा, हमारा भड़काऊ भाषण लग रहा है, बोल लेना हम अपनी जुबान में ताला लगा ले, हम अपनी जुबान में ताला नहीं, जिन मुसलमान की जुबान में ताला लगा उनका भी ताला खोलना है हम इंशाल्लाह, सबका ठेका ले रखे, सबका पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ेंगे, हर आदमी को जोड़ेंगे, दलित को जोड़ेंगे, हिंदुओं को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी मजहब के खिलाफ ना है, ना है, ना रहेगी, अच्छा किसी के भी खिलाफ नहीं है। मेरी क्या कहेंगे इधर, योगी जी कह रहे हैं कि गुंडा राज आ गया हुआ है, क्या जिस तरह ओवैसी साहब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आ गया है? नहीं, गुंडा राज नहीं आया, नहीं है, नहीं। तो कैसे कह रहे मंच अभी कह रहे थे अभी गुंडा राज है, अभी गुंडा राज है, फिर नहीं रहने का, अभी गुंडा राज है योगी का, कैसे गुंडा राज, वो तो सबका विकास। नरसिंह आनंद क्या कह रहा, वो गुंडा राज नहीं आएगा, क्या कह रहा, क्या कह रहा, किसी को नहीं पता, न्यूज वाले नहीं उठो, हम पता नहीं है नरसिंह आनंद क्या बोल रहा, साक्षी महाराज, अरे 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 साक्षी महाराज ने क्या कहा, साक्षी महाराज ने ओवैसी साहब को बकरी बकरे की औलाद कहा, वो किसकी औलाद है, वो किसकी औलाद है? अरे अपने जहन में से गंदगी निकाल दो, ये गंदगी फेंक दो निकाल के, किसी के खिलाफ मत न बात करो, ना हिंदू खराब है, ना मुसलमान खराब है, ना सिख खराब है, हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख भी, हिंदुस्तान का सब हिस्सेदार है, हिंदू भी है, मुसलमान भी, सब भी है, हिंदुस्तानी के अंदर कोई भी खिलाफ नहीं है, हिस्सेदारी नहीं मिली, किसी भी के खिलाफ नहीं है, हिस्सेदारी कहे की मिली, नहीं मिल रही, कहे की मिली? आज मुसलमान को मारा जा रहा, तबरेज अंसारी को किसने मारा, अखिलेश यादव बोले, मायावती बोली, राहुल गांधी बोला, कोई नहीं बोला, अल्ताफ को मारा कासगंज के अंदर, किसी ने नहीं आवाज उठाई, सिर्फ बैरिस्टर साहब से अलावा। अरे बैरिस्टर साहब बोलेगा तो भड़काऊ भाषण हो जाएगा, जो सीला तकरीर दे के चले गए थे तुम, जो कौन नहीं, कौन जो सीला तकरीर दे, अरे तकरीर, अरे अरे तकरीर दे के हम बोले ना, हम अपनी जुबान में ताला लगा ले, इन बच्चों की जुबान में ताला लगा ले, हर घर का बच्चा वो ऐसी बनेगा, हिंदुस्तान का एक बच्चा वो ऐसी बनेगा।
आगे आइए, क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? तो कह रहे हैं गुंडे सारे भाग गए, असुद्दीन वैसी कह रहे हैं यहाँ गुंडे आ गए, क्या लग रहा है आपको? हर एक बच्चा वो ऐसी बनेगा, हिंदुस्तान का हर एक बच्चा हर घर से ओएसी निकलेगा। वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? वो कह रहा है ना ओएसी की गर्दन उतारूंगा। अरे तू मेरी गर्दन उतार, हम बताएंगे किसकी गर्दन उतारेगा। अरे गर्दन उतारेगा मुसलमान की, मुसलमान को टारगेट करना चाहता है, मुसलमान को मिटाना चाहता है। जो मुसलमान को निमटाएगा, जो ईमान को निमटाएगा, जो मजहब के खिलाफ है वो खुद ही निमट जाएगा। जो मोटी के भक्त है ना, जो मोटी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वे खुद ही चले जाएंगे, जाने की जरूरत नहीं, खुद ही चले। और जोश में क्या कहना चाहेंगे मुल्ला जी, बताइए। जिस तरह से कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडा आ गया, गुंडा ही आ गया, गुंडा ही है और क्या है। जब सबको जो है दहशतगर्दी कर रहे, उनके ऊपर कोई पकड़ नहीं होती है और क्या है ये खुलेआम। सारे गुंडे जेल चले गए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सब जेल में। ये गुंडे नहीं है, गुंडे तो असल वो है जिन्होंने जो है देहरादून में जो है संसद में किसी क्या हो एक प्रोग्राम हुआ था, उस धर्म संसद में तो प्रोग्राम हुआ था, उसमें कितनी दहशत गर्द तो गए ना जेल, तो जाए कौन गया जेल, कौन गया जेल, किसी को नहीं, गिरफ्तारी हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ये झूठ है। काली चरण की गिरफ्तारी तो हो गई है, फिर किस बारे में? किसी की नई गिरफ्तारी हो रही, किसी की हिंदुस्तान के अंदर गिरफ्तारी नहीं हो रही। मेरी बात सुनो, मुसलमान का जरा सा बच्चा भी 10 साल का किसी हिंदू को कुछ कह देगा, उसे जेल डाल देंगे, हथकड़ी डाल देंगे, पेड़ों में पेड़िया डाल देंगे। अरे मुसलमान ने क्या गुनाह कर दिया? मुसलमान ने कांग्रेस का साथ दिया, मुसलमान ने समाजवादी का साथ दिया, मुसलमान ने बहुजन समाज, एक बार भाजपा का साथ दो, भाजपा का भी एक बार साथ दो, सबका साथ, सबका विकास। कौन भाजपा ऐसा विकास कर रही, रोड़ों पे ला रही। एक बात बताइए, भाजपा का पीछे हटो, एक भाजपा का साथ नहीं दे सकते आप लोग क्या? अरे हम क्यों देंगे साथ, हमारा लीडर आ गया, भाजपा का साथ क्यों देंगे? हमारा शेर आ चुका है, हमारे पास हम लोग भाजपा का। हिंदुस्तान, अरे सुनो 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 भाई, अरे मेरी बात सुनो, अरे चुप हो जाएगी, सुनो सुनो, ना तो समाजवादी का साथ देने के, ना राष्ट्रीय लोकदल का साथ देने के, ना किसी बीजेपी का, किसी मायावती का, किसी का नहीं देने का। हिंदुस्तान का एक तक बच्चा, बड़ा बच्चा, सब ओवैसी साहब का साथ देगा, ठोक ठोक के मोहब्बत बच्चे बच्चों को देगा, ठोक ठोक के बच्चों को भड़काओगे नहीं? अरे बच्चे भड़केंगे कहाँ, बच्चे तो अपने मन की बात कहेंगे, बच्चे कहाँ भड़क रहे, मुसलमान का बच्चा बच्चे मुसलमान का बच्चा कहेंगे? बच्चे भड़कते नहीं है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको जैसे समझाया जाएगा वैसे बोलेंगे। हमने इन बच्चों के अंदर असदुद्दीन वैसी की मोहब्बत डालनी है, और असदुद्दीन वैसी इस वक्त यूपी में दाखिल हो चुके हैं, और अगर कामयाबी नहीं मिलेगी तो वही होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ में हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में गए तो आप अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को भेजा कि मोहम्मद अगर तुम कहो तो मैं इनको पहाड़ों के बीच में चकनाचूर कर दूंगा, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया हे अल्लाह तबारक व तआला इनकी मगफिरत फरमा, ये मुझे समझ नहीं रहे हैं। अगर ये लोग नहीं मुझे समझ रहे हैं तो इंशाअल्लाह तआला आइंदा आने वाली नस्लें जरूर समझेंगी और जरूर ईमान कबूल करेंगी। इसी तरह अगर आज का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को नहीं समझ रहा है तो इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से और AIMM से चलेंगे, मुसलमान को भी साथ लेकर के चलेंगे, हिंदू को भी, और सब मुस्लिम इसमें हम ठीक है, हमें नहीं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी बहुत अच्छा है, जोशीला भाषण देते हैं, लोग कहते हैं सुन के सब चले जाते हैं। ये जोशीला भाषण नहीं, ये दिल की आवाज है जो यहाँ से उठती है, ये दिल से उठती है, जोशीला भाषण नहीं, इसको तुमने जोशीला भाषण का नाम दिया है, ये दिल की आवाज है जो दिल से उठती है। अच्छा क्या लग रहा है ओवैसी साहब कामयाब हो पाएंगे? मुसलमान तो कांग्रेस और सपा के साथ है, तो इनके साथ कौन? आप लोग देखिए देखिए मेरा शेर असदुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि बंदा जब भी किसी काम में और खास तौर से जब लोकसभा में या विधानसभा में जब कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो पहला इलेक्शन वो सीखने के लिए लड़ता है, दूसरा इलेक्शन हारने के लिए, और तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए लड़ता है। अगर हम एक से हार गए तो हम उसमें सीखेंगे और दूसरे में हम हारेंगे तो इंशाअल्लाह तआला तीसरे में हमारी जीत पक्की होगी।
इतने मतलब जिस तरह से कहा जाता है कि मुसलमान समाजवादी के साथ जा रहे थे, इतने बड़ी संख्या में आप लोग वैसी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? जिस तरह कहा जा रहा है अखिलेश यादव तो रिक्शी के बाद रिक्शा दे ही रहे, रोजगार मिल रहा है, क्या दिक्कत है? मुसलमान जिसके साथ जुड़ता है उसको कामयाब बना देता है। कांग्रेस के साथ जुड़ाया, कांग्रेस के साथ जुड़ा तो उसको कामयाब किया, अखिलेश के साथ जुड़ा तो उसको कामयाब किया, और इंशाल्लाह की बार यूएसी के साथ जुड़ गया तो यूएसी को कामयाब कर देगा। मुसलमान के हाथ में बरकत इतनी है कि जिस तरफ अंगूठा लगा देता है वही कामयाबी मिल जाती है। दरी फिर कौन बिछाएगा, सब नेता बनेंगे? अखिलेश यादव मुलायम सिंह मायावती सारे बिछाएंगे दरी। मुसलमान तो सीएम है, वो तो सीएम है, देखिए सीएम पीएम है, सीएम है वो, देखिए अगर सीएम है वो नहीं बनेंगे फिर। अरे कहाँ बनेगा, अगर वो सीएम है तो उसका वही असर होने वाला है, उसका वही असर होने वाला है जो अखिलेश के चले जाने के बाद योगी ने आकर के सबके बंगले छीने थे और सबको बेघर कर दिया था। इन सब का यही हाल होने वाला है इंशाल्लाह ताला एक दिन। अच्छा आप लोग सरकार में आएंगे तो क्या कर लेंगे आप, वो ऐसी समर्थक क्या करेंगे? वो कर लेंगे हम जो मोदी ने नहीं किया, क्या करेंगे जो वो सब कर लेंगे जो नहीं किया। भड़काऊ भाषण नहीं है, आप इसको भड़काऊ का नाम देते हैं, ये दिल की आवाज है। जब सरकार बन सकती है भाइयों बहनों मित्रों से जब सरकार बन सकती है तो मेरे मुसलमान भाइयों आओ मुत्तहिद हो जाओ, मुझे समझो, क्या इसे सरकार नहीं बन सकती? बन सकती है और बिल्कुल बनेगी इंशाल्लाह ताला। बस मुसलमानों के साथ लेने से कोई राजनीति सफल हो पाएगा? दो चार सीट जीत के क्या कर लोगे? अरे मुसलमान दो चार सीट जीत के क्या हो जाएगा मुन्ना जी? दो चार सीट जीत करके ये हो जाएगा कि देखिए वो चार जो है वो चार चार हजार का काम करेंगे तो हम चार नहीं जीतेंगे, हम 4000 जीतेंगे अगर हम चार जीत गए, समझ गए? ये होगा दो चार सीटों, चार सीट। आज मुसलमान इकट्ठा हो रहा, कल को दलित इकट्ठा होगा, कल को बिछड़ा वक्त समाज का जो भी लोग है ना वे सब इकट्ठा होंगे। आने वाले टाइम में मुसलमान तो होता जा रहा है इकट्ठा। अच्छा ये वोट होगा इस बार, मतलब वो भाई वो होने वाला है जो 2014 के इलेक्शन में सब कह रहे थे मोदी लहर है, मोदी लहर है। 2014 में मोदी लहर आई, फिर 2019 का इलेक्शन आया तो सबने बोला मोदी सुनामी है, मोदी सुनामी है। मुसलमानों की पहले लहर आएगी और फिर सुनामी आएगी।